बरेली महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। तलाक जो देता है उसे 3 साल की सजा होनी चाहिए, ये कानून हो रहा है। हलाला को लेकर के मौलानों ने रोजी रोटी बना रखा है, ये गलत है, इसको रोका जाना चाहिए। महिला सुरक्षा पर पूरा काम चल रहा है, महिला सुरक्षित हैं, एंटी रोमियो पूरा काम कर रहा है, इसीलिए लड़कियां महिलाएं सुरक्षित हैं और खुलेआम घूम सकती हैं। बरेली आने का मेरा मकसद ये है कि हमारे पूर्व जो है प्रदेश मंत्री अनीस अंसारी साहब ने एक प्रोग्राम रखा, क्योंकि मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ और इन लोगों का मेरे साथ बहुत प्रेम है, तो इन लोग मेरे आयोग में मेंबर बनने के बाद इन्होंने एक स्वागत का कार्यक्रम रखा है और साथ में मैं अपने आयोग के कुछ काम देखने के लिए कि यहाँ जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं जो है नीचे स्तर तक उतरी हैं कि नहीं उतरी हैं, काम हो रहा है कि अभी उन पे काम शुरू नहीं हो रखा है, कहाँ तक पहुँचा है काम, ये देखने के लिए भी आई हूँ। और यही सब चीज़ें हैं कि जो योगी सरकार और मोदी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं वो एकदम आखिरी पंक्ति की आखिरी इंसान तक पहुंच सके, उन योजनाओं का लोगों को फायदा हो, खाली कागज पे योजनाएं ना रह जाएं, उन कार्य को देखने के लिए मैं यहाँ तक आई। देखिए महिला सुरक्षा के लिए तो सरकार पूरा काम कर रही है, आप ये देख ही रहे हैं कि आए दिन एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रिमिनल डर के पहले ही भाग रहा है और क्रिमिनल आपने देखा होगा कि खुद आके सरेंडर करके जा रहा है, तो इसलिए जो है महिला सुरक्षा पे भी पूरा काम चल रहा है और आज की तारीख में महिलाएं सुरक्षित हैं। और ये कहने की बात होगी कि कोई कहे कि नहीं सुरक्षा में है, तो महिलाओं के ऊपर भी काम चल रहा है, महिला सुरक्षित है। नहीं है उसका कोई वजूद कम नहीं है एंटी रोमियो का, एंटी रोमियो अपना काम पूरा कर रहा है, पर आपको कहीं से ऐसा लगा होगा, मुझे नहीं पता कि ऐसी क्यों बात आपने पूछी है, बल्कि इसी वजह से डर से जो रोमी फालतू घुमा करते थे, जो लोगों को लड़कियों को छेड़ा करते थे, रास्ते में लड़कियां निकलने से डरती थी, कहीं उनको कॉलेज जाना हो मार्केट जाना हो तो डरा करती थी, अब आज की तारीख में हिफाजत से वो लोग अपना काम कर रही हैं और निकल रही हैं और जा रही हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए जो है सरकार कई तरह की योजनाएं लाई हैं, क्योंकि अभी हम लोग एकदम सरकार में नए हैं ही हैं, तो कई योजनाएं बनाई हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं पे भी काम चल रहा है। कानून तो आ ही चुका है, आपने देखा ही है कि अगर तलाक जो देता है तो उसको 3 साल की सजा होगी, जब अगर आदमियों को ये डर दिल में बैठ जाएगा तो उससे जो है मर्द जो है औरतों को तलाक नहीं देंगे, जिससे कि हमारे यहाँ के मुस्लिम मर्दों को ये खौफ सबसे ज़्यादा बैठना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पे आके अपनी औरतों को 3 शब्द कह के, जो कि हमारे यहाँ है भी नहीं, कि एक वन टाइम तलाक जो है ख़त्म होना चाहिए, जिससे कि औरत एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है तो वो उसके लिए दूसरा घर होता है, अगर वो भी उससे वो बाहर हो जाती है वंचित हो जाती है तो वो सड़क पे आती है, तो उस पर काम चल रहा है और आज की तारीख में सरकार का उस पर स्टेप अच्छा है और मैं तो अपनी सरकार का उस पर अप्रिशिएट करूंगी कि इतना बड़ा स्टेप किसी सरकार ने तो उठाया कि औरतों के उत्थान के लिए। देखिए हलाला तो बात ये है कि हलाला वो चीज़ होता है कि जब कोई मर्द अगर औरत को छोड़ देता है और अगर उसको इद्दत के दिन गुजारने पड़ते हैं, इद्दत के बाद जो है वो शादी करती है और वो फिर उसके लिए वो हलाल की होती, क्योंकि वो किसी के साथ ऐसे नहीं रह सकती, पर अगर जो हमारे यहाँ के मौलवियों ने मौलानाओं ने ये चीज़ को अगर गलत स्टेप उठाया है वो एकदम गलत है, वो एकदम बंद होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उसको एक तरह का अपना रोजी रोटी समझ बना लिया है और मर्दों को ये बात नहीं बताई ठीक से कि हलाला क्या चीज़ है, उसको कैसे निभाना है, क्या करना है, उसको गलत स्टेप में उठा के गए हैं, क्योंकि 3 तलाक तो पहली बात 1 टाइम तो तलाक है ही नहीं,
वो 3 महीने का, जो एक एक महीने के अंतराल में तलाक दिया जाता है, और उसके बाद जो है अगर वो मर्द को वापस अपनी औरत को रखना होता है तो वो बात होती, पर ये हलाला एकदम गलत चीज है, ये होना ही नहीं चाहिए।